ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर मऊ से है, जहां मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रसूलपुर मोहल्ला में गंगाराम के बगीचे में समाजवादी पार्टी द्वारा एक जनसभा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि शिवपाल यादव ने जनसभा को संबोधित किया और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। निशाना साधते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा सरकार संविधान को समाप्त कर रही है और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार बेईमानों की पार्टी है। इस सरकार ने पूंजीपतियों का बकाया माफ किया है, जबकि किसान अपनी लोन माफी के लिए जान तक दे रहे हैं, लेकिन किसानों का लोन माफ नहीं किया जा रहा है। भाजपा सरकार ने पूंजीपतियों से चंदा लेकर उनका 16 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ करने का काम किया है। भाजपा सरकार महंगाई, रोजगार व विकास की बात नहीं कर रही है, लोगों को अन्य मुद्दों पर भटका रही है। अगर भाजपा सरकार फिर बनी तो जनता महंगाई से और परेशान हो जाएगी। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने सोलह घंटे आदेश नेताजी ने किया था कि कम से कम 18 घंटे उनका भाइयों को खुशी जरूर मिलना चाहिए। और फ्लैट में एक रूम पर 63 रुपए, एक महीने का एक रूम पर केवल बिल 63 रुपए। अब भारतीय जनता पार्टी के समय में अभी क्या हालत है, उनका भाइयों की क्या हालत है? जब उनका भाई पूरे उत्तर प्रदेश के सभी उनका मुख्यमंत्री के यहाँ गए, धरना दिया, प्रदर्शन भी हुआ, फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उनका भाइयों को बुलाया, राज्य 11 लोगों को बुलाया, बातचीत कर वादा किया कि हम बिजली में रियायत देंगे, वादा तो किया, लेकिन आज तक उस वादे को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी नहीं निभाया। आज कितने रेट पर आपको पता होगा, जो 63 रुपए किया एक रूप पर जो कितनी नकदी थी, आज कितने का बिल आ रहा, 705, बताइए 705, कहीं और भी ज्यादा हो जाता है और बिजली आती नहीं। अब इलेक्शन टाइम तो शायद कुछ नहीं होगा, और इलेक्शन के पहले हमको जहाँ जहाँ गए आधा घंटा लग गई बिजली, इलेक्शन का काम शुरू हो गया और बिजली 6 घंटे 8 घंटे से ज्यादा नहीं लगा। लेकिन आपको शायद यहाँ पर इस समय तो दे रहे होंगे, कुछ बढ़ाया होगा बिजली, क्योंकि हम तो थोड़े ही इलेक्शन के थोड़े ही दिन बचे और बिजली की कोई कमी नहीं। और बिजली की कमी इसलिए नहीं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 12 से 17 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, इतने यूनिट बिजली की लग गई थी कि बिजली उत्तर प्रदेश में सरप्लस हो गई, सरप्लस। और आपने देखा होगा पूरे उत्तर प्रदेश को बिजली भी मिली थी, आपके भी मिली थी, और आपको रूम पर मिला था, और आप तो इतना 700 रुपए 800 रुपए, कहीं कहीं तो 800 रुपए, और यहाँ तक कि जो छापे बिजली आती नहीं और छापे अलग, और छापे डाल करके FIR अलग, FIR के बाद फिर इंजीनियर सेटिंग करते हैं, अगर उनको पैसे दो रिश्वत दो तो शायद कम जुर्माना होगा, नहीं तो FIR के बाद जुर्माना मिलेगा। ये है उत्तर प्रदेश की सरकार का। और यहीं तक आप देख रहे हो, ये न तो मुस्लिम भाइयों की मदद कर रहे, न गरीबों की, न मुसलमान भाइयों के, और इसके
ये भारतीय जनता पार्टी केवल अपने जो पूंजी पद जो है पूंजी पद बड़े लोग इनके जो मित्र हैं जितनी भी संपत्तियां देश में मुनाफे मिलती थी देश से लेके टेलीफोन से लेकर के एयरपोर्ट तक जितने भी मुनाफे में थे कमीशन लेकर के उनको बड़े लोगों को देने का काम। और आपने अभी सुना होगा पढ़ा होगा कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़े बड़े जो मंत्री हैं प्रधानमंत्री हैं गृह मंत्री हैं इन लोगों ने मिल करके इतना कर्जा पर पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया उन पूंजी बड़ी पूंजीपतियों का माफ किया है। उसमें से इलेक्शन के नाम पर चुनाव के नाम पर 10 हजार करोड़ रुपया कमीशन। अब तो इनकी पोल खुल चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की पोल खुल चुकी है। तो हमारा कहना है ये लोग बहुत घटिया स्तर के लोग, भारतीय जनता पार्टी रोज खड़े होंगे, मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री है कोई मंत्री है कोई प्रधानमंत्री है, बच्चा प्रधानमंत्री तो हमारे हैं सबके होता है। सफल लेने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का चाहे मंत्री हो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो पूरे देश की जनता तो संविधान में है। और संविधान में एक दूसरी तरफ विपक्ष भी होता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष को विपक्ष नहीं समझते हैं जो संविधान में केवल विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं और संविधान को बदलना चाहते हैं। जब संविधान को बदलने क्या इसलिए कि चाहते थे ये लोग 400 पार दो साल से इनका चल रहा था कि 400 पार अब बताओ 400 पार होने नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता ने ये चुनाव अपने हाथों में ले लिया है, अपने हाथों में ले लिया है, ये सही है। अब उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में 200 से 500 तो होने नहीं देंगे। मऊ से सीनियर संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। देखा जाए तो जहां भाजपा चुनाव के अंतिम चरण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है तो वहीं सपा भी पीछे वही है। सपा के दिग्गज भी लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी जीत की रणनीति पक्की कर रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।